नमस्ते मॉमीज एंड डैडीज, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हर माँ इस बात से रिलेट कर सकती है कि डिलीवरी के बाद बॉडी कितनी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो क्या रेस्ट करना ज़रूरी है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, लेबर के दौरान एक लेडी बहुत सारे इमोशंस के साथ गुजरती है, आप एग्री कर सकते हैं, राइट? उस वक्त जो हमें पेन होता है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, ऐसा लगता है बस अंदर की हड्डियां तो टूट ही गई। और जब हमारा बेबी हमारे हाथों में आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आपकी कोई भी टाइप की डिलीवरी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हो, बॉडी वीक दोनों ही केसेस में होती है और ये कहा जाता है कि आपको बॉडी को रेस्ट देना है। हालांकि वो रेस्ट तो नहीं होता, क्योंकि बच्चे को तो आपको ही देखना है, आपको उसे फीड कराना है, उसके डाइपर्स चेंज करने हैं, अगर वो क्रैंकी हो जाए तो उसे उठा के अपने कंधे पे रखना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जिसकी वजह से आपको रेस्ट तो नहीं मिल पाता। फिर भी बॉडी को जब भी रेस्ट देने का मौका मिले, डेफिनेटली रेस्ट दें। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो बहुत एक्टिव हैं, हमारी बॉडी तो ठीक है, हम तो सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट डिलीवरी के बाद वाला रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये रेस्ट अगर अभी आप अपनी बॉडी को दे देंगे तो आगे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अभी का रेस्ट हमेशा के लिए हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बहुत स्ट्रगल भरा रहा। दो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बट मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अराउंड 2 दिन के लेबर के बाद मेरा बेटा हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। और डिलीवरी के बाद के चैलेंजेस तो आप जानते ही हैं, फीड कराना, और मैं उसे फीड नहीं करा पा रही थी प्रॉपरली, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए। तो रेस्ट तो नाम का ही था, पर फिर भी जब वो सोता था तो अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर देती थी। पोस्टपार्टम मसाज आपकी रिकवरी प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप डेफिनेटली उसे चेकआउट करें। बेशक आप कितने भी एक्टिव हो, एटलीस्ट 40 डेज तो अपनी बॉडी को ज़रूर रेस्ट दें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जल्दी तो हील होगी ही होगी, आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप अभी खुद को एग्जॉस्ट कर लेंगे और रेस्ट नहीं देंगे बॉडी को, तो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें तो बनी ही रहेंगी। आपको लोअर बैक में पेन हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपको लगी ही रहेंगी। इसीलिए बॉडी को रेस्ट ज़रूर दें। रेस्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली में कोई हेल्प नहीं कर पाता, फैमिली में कोई आ नहीं पाता, सब कुछ आपको ही डील करना पड़ता है। सो डेफिनेटली आप कोई हेल्पर ज़रूर रखें, जिससे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, आपकी मदर्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपकी मदर इन लॉज आपकी हेल्प कर सकती हैं, सो डेफिनेटली उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि इस टाइम में आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मदर इन लॉ मुझसे हमेशा कहती थी कि अभी का रेस्ट हमेशा के लिए हो जाता है, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। तो आप कितने भी एक्टिव हों, उस वक्त खुद को रेस्ट दें। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे, आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा और आपका रिकवरी प्रोसेस तो बहुत जल्दी होगा ही होगा। स्पेशली सी सेक्शन वाली डिलीवरी में तो आपको और भी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए खुद पे इतना बर्डन ना डालें, प्रॉपर रेस्ट लें, बाद में सब काम हो जाएंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। न्यू मदर्स के साथ इसे डेफिनेटली शेयर करें। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।